बच्चों, आज हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं लालची चूहे जी। तो कहानी शुरू करते हैं। एक दिन चूहे को एक बहुत बड़ा पाव मिला। वह बोला, मैं इस पाव को अपने घर ले जाऊंगा। उसने पाव को पीछे से धक्का दिया, पर वह नहीं हिला। उसने पाव को आगे से धक्का दिया, पाव नहीं हिला। उसने पाव को दाईं तरफ से धक्का दिया, पाव नहीं हिला। उसने पाव का चक्कर लगाकर बाईं तरफ से धक्का दिया, पाव फिर भी नहीं हिला। मैं पाव के चारों ओर एक डोरी बांधूंगा, फिर उसे अपने घर में खींच लूंगा। चूहा घर तक दौड़ा और एक डोरी लाया, लेकिन वह डोरी छोटी थी। वह वापस गया और एक लंबी डोरी लाया। उसने पाव को लंबी डोरी से बांधा, फिर खींचा और खींचा, लेकिन पाव नहीं हिला। चूहा नीचे बैठा और थोड़ा सा पाव खाया। उसने पाव को फिर धक्का दिया, पाव सीधा लुढ़क कर उसके घर में गया। लेकिन चूहे ने बहुत पाव खा लिया था, उसका पेट बन गया था बहुत बहुत बड़ा। चूहे ने खुद को धक्का दिया और बहुत धक्का दिया, लेकिन वह घर नहीं जा सका। चूहा दरवाजे के बाहर पेट पकड़कर बैठ गया। मुझे इतना सारा पाव नहीं खाना चाहिए था, मुझे उसे किसी और के साथ बांटना चाहिए था। बच्चों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, कि हमें जरूरत से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए। देखो, ज्यादा खाना खाने से चूहे के साथ क्या हुआ? पेट में भी दर्द होता है, तो हम लोगों को ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। सबसे मिल बांट के सब लोगों के साथ में खाना चाहिए।